तो ये जो वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट वैकेंसी है, ये है सकाता सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए DGR की तरफ से वैकेंसी आ रही है। इसमें पोस्ट का नाम जैसे देख रहे हो दोस्तों आप लोग, असिस्टेंट मैनेजर एडमिन की पोस्ट है, और काफ़ी बड़ी पोस्ट है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दी हुई है इन्होंने। पूरा डिटेल्स इसके बारे में लिखा गया कि क्या क्या काम करना होगा, किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रॉपर एंड मोनिटर्स बजट, मेंटेनिंग फैसिलिटीज बाई प्लानिंग स्पेस एलोकेशन लेआउट एंड फ्लोर मूव्स, पूरा इसका डिटेल्स आप लोगों को रखना होगा। रिस्क मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान रखना होगा, यदि उस पर कोई एक्शन लेना है तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। साथ में टू मेक गुड रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी और नाइबर्स, यानी एक गुड रिलेशन बनाना होगा। साथ में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एडमिन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिसर होता है, उसकी ड्यूटी के तौर पे ड्यूटी है दोस्तों, उसी के तौर पे है। यहाँ पे जो पेमेंट मिलने वाली है 45,000 से और 50,000 के बीच में आप लोगों को तनख्वाह मिलने वाली है, और इसके लिए जो एजुकेशन रखी गई है, ग्रेजुएट जो भी हैं या मास्टर ग्रेजुएट जो भी हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों रिटायर फ्रॉम JCO एंड अबव रैंक आर एलिजिबल, यानी JCO और उससे ऊपर वाले रैंक जो भी हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी दोस्तों बेंगलुरु में रहेगी, और इसके लिए जो एज रखी गई है 35 से 45 साल के बीच में जो भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज एक रखी गई दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 30 अक्टूबर 2020 तक आप लोगों को एप्लीकेशन DGR में पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए सिंपली दोस्तों अपने जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड से आप लोग अपना नाम फॉरवर्ड करा के DGR में भिजवा सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों वो भी बहुत ही बढ़िया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की तरफ से है, ग्रुप सी की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर थर्ड की पोस्ट इसका नाम रखा गया है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जो पेमेंट मिलेगी यहाँ पे लेवल 4 की मिलेगी, पेमेट्रिक्स प्री रिवाइज के हिसाब से, पेमेंट 1 के हिसाब से 5,200 से 20,200 रुपये और 2,400 रुपये यहाँ पे ग्रेड पे मिलने वाली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, मैट्रिक पास रखा गया है या उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया है तो वो भी माना जाएगा। इसके लिए कंप्यूटर स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। इसके लिए आपका सिलेक्शन हो जाता तो न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम या चेन्नई आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके लिए जो एज रखी गई है दोस्तों 18 से 27 साल रखी गई है, जो कि सिविलियंस के लिए है, लेकिन एक्सेसमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे 7 वैकेंसी है, जिनमें कि अनरिजर्व के 4 है, OBC के लिए 2 है और ST के लिए 1 है। इसके लिए दोस्तों लास्ट डेट रखी गई है 30 दिसंबर 2020 तक आपका नाम DGR में पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों सिंपली आप अपने जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड से, वहाँ पे एक फॉर्मेट आता है इसका जो कि DGR की वेबसाइट में है और उनके पास भी रहता है, उनके पास भी पूरा सब कुछ सिस्टम है। उस फॉर्मेट में आपका नाम, नंबर, डिटेल्स पूरा भरना होता है, टेलीफोन नंबर भरना होता है और उसको ईमेल के माध्यम से सेंड करना होता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों वो आ रही है दिल्ली करियर सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से, और यहाँ पर जो वैकेंसी दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की वैकेंसी रखी गई है, वार्डन या ट्रेनर की वैकेंसी है। इसके लिए जो पेमेंट मिलेगी दोस्तों 15,000 से 25,000 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट मिलने वाली है। इसके लिए सिर्फ रिटायर्ड आर्मी के जो भी हैं, जो सिपाही से लेके हौलदार या फिर जो भी हैं अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो पोस्टिंग रहेगी बैनोर राजपुरा में रहेगी और 35 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए आपकी दोस्तों। इसके लिए जो टोटल वैकेंसी रखी गई है 15 वैकेंसी रखी गई है और इसके लिए भी आपका नाम 30 दिसंबर 2020 तक DGR में पहुंच जाना चाहिए। प्रोसीजर सेम है दोस्तों DGR में भेजने का, आप अपना जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड से अपना नाम फॉरवर्ड करा के DGR में भिजवा सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों अभी काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है, भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जा रही है। ये वैकेंसी है कॉन्टैक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है। इसके लिए एक फॉर्म दिया गया है दोस्तों जो कि नीचे मैं आपको बताऊंगा, उस फॉर्म को भरना होगा। DGR में जब जाएंगे दोस्तों आप लोग तो उसको उसी फॉर्मेट में भर के वो लोग सेंड कर देंगे, और इसके लिए भी आपका एप्लीकेशन 30 दिसंबर 2020 तक DGR में पहुँच जाना चाहिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसका पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है कि रिक्वेजेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंजीनियर एक्सप्लोसिव फॉर भारत डायनामिक लिमिटेड। इसके लिए जो वैकेंसी है ये है कॉन्टैक्ट इंजीनियर एक्सप्लोसिव की तरफ से। एक्सप्लोसिव जिनके पास भी इससे रिलेटेड डिप्लोमा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे नेम ऑफ पोस्ट का नाम है कॉन्टैक्ट इंजीनियर एक्सप्लोसिव। इसके लिए तनख्वाह मिलेगी दोस्तों, टोटल तनख्वाह यहाँ पे 47,000 रुपये आप लोगों की तनख्वाह बनने वाली है। बहुत ही अच्छी पेमेंट यहाँ पे रखी गई है और 5% तनख्वाह हर साल इंक्रीज होगी आपकी। इसके लिए दोस्तों जो टाइम और इंटरव्यू होगा आपका, डेट टाइम उसको आपको बाद में बता दिया जाएगा। टोटल जो वैकेंसी रखी है दोस्तों 3 एक्सेसमैन चाहिए, इसके लिए सिर्फ 3 एक्सेसमैन की ज़रूरत है। कोई भी हो सकता है, सिपाही भी हो सकता है, हौलदार भी, JCO भी या जो भी हो सकता है।
टर्म और एम्प्लॉयमेंट दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 2 साल के लिए फिलहाल है और इसको अगले 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंडेड हो गए 5 साल तक और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जो 3 पोस्ट हैं दोस्तों उनकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहेगी, सबसे एक जो पोस्ट रहेगा वो रहेगा फैक्ट्री बांद्रा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, दूसरा रहेगा EEL नागपुर में और तीसरा जो बंदा रहेगा वो रहेगा BDL भानूर में। तीनों की पोस्टिंग का डिटेल्स यहाँ पे दिया होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है इन्होंने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, बी होना चाहिए या फिर बी या फिर बीटेक डिग्री होनी चाहिए, या फिर केमिकल में या फिर मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में है, या फिर आर्मी सर्टिफाइड कोर्स क्लास 1 होना चाहिए दोस्तों। और क्लास 1 आपने यदि इस सब में किया है तो आपको डिप्लोमा मिला ही होगा, उसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो आर्मी क्लासिफाइड क्लास 1 है दोस्तों उसमें आपका एक्सप्लोसिव या फिर केमिकल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इक्वावेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। एज रखी गई है दोस्तों इसके लिए 55 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 16/12/2020 से इसकी गणना की जाएगी। इसके लिए जो GCOs हैं दोस्तों, रिटायर्ड ऑफिसर और GCOs और SGT और उसके इक्वावेलेंट जो भी रैंक है नेवी एयरफोर्स के, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस मांगा गया दोस्तों, इसमें पूरा एक्सपीरियंस है कि कैंडिडेट्स शुड हैव एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन, स्टोरेज, हैंडलिंग, डिमोलाइजेशन, उसके अलावा कन्वर्सेंट इन द एरिया ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक प्रोपलांस्ड, वार हिट्स, इग्निटर्स एंड एक्सप्लोसिव कंपोनेंट, इनका पूरा आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों आपके पास इससे कोर्स रिलेटेड, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ MC EME की तरफ से, EME स्कूल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड एनी एक्सपीरियंस इन रिलेटिव रिलेवेंट फील्ड ऑफ एक्सप्लोसिव्स। इसमें यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डाटा फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने कि किस तरह से आपको भरना है, इसमें पूरा नाम, नंबर, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कितना आपने सर्विस किया, कितनी पढ़ाई की है, कौन कौन से कोर्स किए हैं, पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों सिंपली आप लोगों को अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाना है, राज्य सैनिक बोर्ड में जाना है, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म का फॉर्मेट नीचे दिया गया है, उसी में जैसे ही आप लोग इसको खोलते हो, वो सब जहाँ पे वो कलर के बैठे रहते हैं उनको सबको पता है कि इसका क्या क्या करना है, और इसको जो है अप्लाई करके आप लोग नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों टोटली वैकेंसी थी जो कि DGR की तरफ से थी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा ये दोस्तों कि यदि आप पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट वैकेंसीज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी PSUs की वैकेंसीज, रेलवे, जो भी वैकेंसीज आती है और साथ में जो भी न्यूज़ आते हैं दोस्तों, अपडेट्स आते हैं गवर्नमेंट के, वो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।